तो आज का हमारा व्लॉग है सफारी पार्क गुलशन इकबाल। तो आज चलते हैं सफारी फन वर्ल्ड एंड स्पेशल ये हमारा डायनो सफारी पार्क में। तो आज का व्लॉग हमारा डायनो सफारी पार्क एंड जू। तो यहाँ से स्टार्ट है डायनो सफारी पार्क, स्पेशल डायनासोर की वजह से। ये डमी बच्चों के छोटे डायनासोर्स हैं और ये आगे ये डमी है, ये एक्स से निकल रहा है और ये आगे पार्क है और बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया है सफारी पार्क को। है तो ये बहुत पुराना पार्क लेकिन ये डायनासोर की वजह से बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया, इसकी वजह से पब्लिक आवानी शुरू हो गई यहाँ पे। तो ये मेन वैसे छोटे बच्चों के लिए मुफीद है, जगह काफ़ी बेहतरीन है बच्चों के फ़न वगैरह के लिए, घूमने फिरने के लिए। और मेरी तो सबसे अच्छी कोई चीज़ होती है कि बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम दिया जाए। ये हमारा डायनासोर है, आवाज़ें निकाल रहा है, ये दिखने में ओरिजिनल लग रहा है, सभी ऐसे आगे नहीं बढ़ रहा है। और ये आगे हम चलते हैं इस तरफ डायनासोर, मुख्तलिफ टाइप की इन्होंने चीज़ें बनाई हुई है, मतलब ये एग टाइप और छोटे डायनासोर और सेंसर वाले हैं। ख़ास तौर पे जब कोई गुजरेगा तो उनको देख के आवाज़ निकालेंगे और मूव करेंगे, जस्ट लाइक ये सामने आपके सामने दिख रहा है। ये डमी है डायनासोर की स्टार्टिंग का, क्योंकि आज से 303 करोड़ साल पहले ये आए थे तो उनकी स्ट्रक्चर इसी टाइप का बनाया गया था। और ये व्यूज़ है खूबसूरत से, बीच में डक्स वगैरह और सामने एक वेजिटेबल खाने वाले डायनासोर्स डमी। और ये हम आगे चलते हैं, ये जुरासिक वर्ल्ड का डायनासोर आवाज़ भी निकाल रहा है। ओ हो, आगे चलते हैं। ये भी छोटा वाला डायनासोर है, फैमिलीज़ भी आई हुई हैं छोटे बच्चों के लिए और छोटे बच्चों को ही पसंद होता है सबसे ज़्यादा। और ये बेबी डायनासोर और ये भी बड़ा है, बड़ा डायनासोर है ये भी, इसमें सेंसर लगे हुए हैं और आवाज़ें भी निकल रही हैं। और ये सबसे लंबा डायनासोर यहाँ का, ये देखें ये बुर्जुल खलीफा, वो ऊंचाई पूरा आसमान दिख रहा है इसको देख के, तो सबसे ऊंचा डायनासोर यहाँ का यही है। और यहाँ पे ये इंटरेस्ट ख़त्म हो रही है, पूरा एक ग्राउंड अबाउट है, ये पूरा यू टर्न लेके हम वापसी एग्ज़िट, ये एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं आगे। ये हमारे साथ और भी फैमिलीज हैं जो निकल रही हैं एग्ज़िट की तरफ और अब हम जाएँगे सफारी, मतलब एनिमल जू देखने। और ज़ू के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे गाड़ी जाती है, उसके टिकट लेंगे और गाड़ी के अंदर बैठ जाएंगे। ये हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, गाड़ी आगे चल चुकी है और गाड़ी के अंदर बिठा के जानवर दिखाएंगे। सामने एलिफेंट दिख रहा है, मतलब गाड़ी के अंदर ही बैठ के देख सकते हैं, इसके अलावा आप उतर के देख नहीं सकते क्योंकि फॉर सिक्योरिटी रीज़न जानवरों के लिए और हम मे भी हमारे लिए भी। और ये जू से हम आ चुके हैं, जू और डायनासोर्स पार्क देखने के बाद ये नॉर्मल पार्क बन जाता है जैसे एरियो के पार्क होते हैं। सामने जंपिंग कैसल है बच्चों की, स्लाइड्स हैं तो छोटे बच्चों के लिए है, ये देखिए बच्चे ऊपर चढ़ रहे हैं इसके ऊपर जी।
ये स्लाइड्स हैं, ये 1990 की स्लाइड है, अभी तक बनी हुई है यहाँ पर, जो 90s में बनी थी वो अभी भी बनी हुई है यहाँ पे। और ये बच्चों को लेके वापसी आ गया हूँ, टिकट लेके दोबारा अंदर आया हूँ कि कुछ छोटे बच्चों को दोबारा डायनासोर देखने थे। ये देखें बच्चे इसके अंदर चढ़ रहे हैं और ये चल रहा है, इसके भी अलग पैसे टोकन है इसका भी। तो आज का व्लॉग यहीं एंड होता है इस प्यारे से डायनासोर के सामने, और मगरिब भी हो चुकी है, पूरा पार्क में निपटा दिया है, सारे डायनासोर देख लिए मैंने। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।